नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार खूब चर्चा में हैं। नीतीश कुमार चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने सदन में जो बातें कही है उन बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार के मानसिक से लेकर के उनके राजनीतिक जीवन का आकलन किया जा रहा है। ये आकलन भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को डिफेंड कर रही है। तेजस्वी यादव ने सदन से बाहर निकलते ही नीतीश कुमार के बयान, जिसको लेकर के उनकी खूब आलोचना हो रही है, उसको बताया कि उनके समझाने का तरीका ठीक था, हो सकता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगा हो। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं बिहार की राजनीति में खूब हो रही हैं। आपको बता दें कि अभी तक ये चर्चा थम ही नहीं है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और उनके 17-18 साल के शासन को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि अधिकांश समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और कुछ समय उन्होंने महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ भी बिताया है। लेकिन जब जब वो कांग्रेस के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ जाती है। इस बात को लेकर के अब जबकि सीधे नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी ने हमला किया है, या उसको कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया है, तो ऐसा लगता है कि वो काम कर गया है। जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने ये तार छेड़ा था, अब उसके स्वर सुनाई देने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमला किया गया है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पलटवार किया गया है, उसमें नीरज कुमार जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और अगला पिछला सारा रिकॉर्ड उन्होंने सामने रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जो बिहार से बाहर नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के हमला करते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं पर दिए गए, प्रजनन दर पर दिए गए बयान के साथ साथ वो जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार के दिए गए बयान को भी कोट करते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता नीतीश कुमार और जो जीतन राम मांझी के बीच में हुआ उस पर हमला करते हैं। तो वहीं लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे नीरज कुमार और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से हमलावर हुई है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। कौन कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, आप खुद नीरज कुमार से सुन लीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, कैसा भद्दा मजाक करते हैं आप। जो अंग्रेज का दलाल, अंग्रेज से माफी मांगने वाला, सावरकर को नए संसद भवन में स्थापित करता हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आराधना नहीं करता हो, वह दलित प्रेम की बात करता है। जो महिला सशक्तिकरण में बिहार देश और दुनिया में रोल मॉडल जाना जाता है, और बिहार में बेटी ने साइकिल से जब उड़ान लिया तो देश के विभिन्न राज्यों ने इसको सीखा, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया। आज उसका नतीजा है कि बेटियां उड़ान पकड़ रही हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप बेटियों के साथ जघन्य अपराध होता है मणिपुर में और आप खामोश रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।